आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BR एजुकेशन में। अभी भी की एक बड़ी खबर आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। पेपर वाउट परीक्षा हॉल से पहले ही पेपर खुल चुका, तो कंप्लीट न्यूज़ देखिए, पूरी न्यूज़ देखेंगे हम। इसके बाद क्या लोग है वो बेरोजगारों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम जानेंगे इस वीडियो में। कंप्लीट देख सकते हो। व्याख्याता भर्ती परीक्षा में एक केंद्र पर धांधली के आरोप देखने को मिले। पेपर्स का खुला पैकेट और एक पेपर बिना पॉलीथीन के खुला, यानी बिना पॉलीथीन का खुलने का मतलब पेपर पहले खोल के अन्य लोगों को वो पेपर है वो दिया गया था। अब कंप्लीट न्यूज़ पढ़ते हैं। जिससे खुला पेपर मिला उस अभ्यर्थी पर भी चुप रहने का दबाव बनाने के आरोप है वो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। देखो, शहर में इन दिनों चल रही वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के दौरान शहर के एक केंद्र पर बड़ी गड़बड़ी होने की जानकारी सोशल मीडिया पर बाहर आए तो एक बार हर तरफ खलबली मच गई। प्रशासनिक अधिकारी इस पर पर्दा डालने में जुट गया, अधिकारी खुद इस पर पर्दा डालने में जुटे हुए। कुछ ऐसे ही आरोप सामने आए सोमवार को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर। इसमें आरोप तो ये भी, यहाँ परीक्षार्थियों के एक वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र से जुड़े कार्मिक अफसरों ने एक कक्ष में बैठे परीक्षार्थियों को विपरीत किए जाने वाले पेपर्स के पैकेट को कक्ष संख्या 12 में ड्यूटी देने वाले टीचर्स को दिया। तो सरकारी स्कूल के शिक्षक के पैकेट खुला होने की बात कही, उसने कहा कि पैकेट है वो खुला था, लेकिन पैकेट बांटने वाले सुपरवाइजर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। ड्यूटी देने वाले दूसरे टीचर ने इसकी जानकारी केंद्र अधीक्षक इत्यादि को भी दी, लेकिन इन्हें चुप रहने और पेपर अभ्यर्थियों को बांटने को कहा। इन्हें कहा एकदम चुपचाप रहे, अभ्यर्थियों को पेपर है वो बांट दिए जाए, इन्हें भी अभ्यर्थियों को ही दबाया जा रहा है। उसी पैकेट में एक पेपर बिना पॉलीथीन के खुला हुआ वह पेपर जिस अभ्यर्थी को मिला तो उसने भी आपत्ति उठाई, तो उसी पर चुप रहने का दबाव, उसे कहा कि एकदम चुप रहो, आवाज़ मत करो, उसे दबाव बनाएगा। मामला बढ़ने के बाद प्रशासन के उच्च स्तर पर तक पहुंचा, तब भी मामले को दबाने के प्रयास किए जाने लगे। हालांकि इन आरोपों के संबंध में जब प्रशासन व शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उससे बात नहीं हो पाई। दरअसल सोमवार को चैनपुरा राजकीय महाविद्यालय में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर हंगामा हुआ था और इसकी जानकारी मिलने पर दैनिक नवज्योति स्पेशल रिपोर्टिंग टीम ने पड़ताल की। प्रशासनिक व शिक्षा अधिकारियों की पोल खुलती नजर आई। उसके अंदर पर सुबह पहली पारी की परीक्षा केंद्र के कमरा नंबर 12 में जब वितरण के लिए पेपर आया तो लिफाफे में सील खुली हुई थी। इतना ही नहीं कि लिफाफे में रखा एक पेपर भी बगैर सील के था, एक पेपर भी बगैर सील के नहीं था। प्रश्न पत्र खुला देखकर विद्यार्थी उसके आउट होने की शिकायत करने लगे, लेकिन कोई लाभ नहीं है, इनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया गया, अब कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से। देखिए, परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थी केंद्र पर एकजुट होकर आउट होने की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों तक भेजने की मांग करने लगे। उसके बावजूद केंद्र अधीक्षक व सहायता केंद्र अधीक्षक ने उनकी बात नहीं मानी। केंद्र अधीक्षक व सहायता केंद्र अधीक्षक पेपर आउट नहीं होने की बात पर अड़े रहे। आखिरकार विद्यार्थियों का रोष बढ़ता देख मामला ADM तक पहुंचा, वहां पर भी मामले को दबाने की कोशिश की गई। अब देखो, हर एक अधिकारी मामले को दबाने में लगा हुआ है तो क्या होगा। जब नवज्योति स्पेशल रिपोर्टिंग टीम ने जानकारी में मामला आया तो स्पेशल रिपोर्टिंग टीम ने ADM रामचंद्र से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि इसके अंदर पर अभ्यर्थियों से लिखित में शिकायत के साथ परीक्षा केंद्र से भी शिकायत लिखित में ली गई। लिफाफा थोड़ा खुला होने के की शिकायत मिली है। मामले की जांच पर रिपोर्टिंग RPSC को भेजी गई। सोशल मीडिया पर छाए इन सवालों पर अब कुछ सवाल भी छाए। उस परीक्षा केंद्र पर निजी स्कूल के टीचर्स की ड्यूटी काउंटर लॉटरी से क्यों नहीं किया गया, जबकि सरकारी टीचर के लिए लॉटरी निकाली गई थी। केंद्र के कुछ कमरों में दीवार घड़ियां बंद थी तो कुछ में टाइम भी गलत था। टीचर्स ने इस संबंध में शिकायत भी की लेकिन सुनवाई नहीं। साथ ही निर्धारित समय पर घंटी बजाकर परीक्षा समय की सूचना परीक्षार्थियों को नहीं दी गई। एक और परीक्षा केंद्र में के कमरा नंबर 14 में और घड़ी 15 मिनट पीछे थे। इस चक्कर में परीक्षार्थियों को पेपर 15 मिनट बाद मिली और लेकिन परीक्षार्थी खत्म होने पर दूसरे कक्षों की तरह इन अभ्यर्थियों को OMR शीट है वो बाद में छीन ली गई। तो कई सवाल थे। अब क्या करती है सरकार, देखिए वो तो। अब जब इसका नतीजा संपूर्ण आएगा तो आपको सूचना दे दी जाएगी इसका क्या। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।